हमारे चाचा ने वो वसीयत पूर्ण रूप से अब शिव मंदिर के नाम कर दिए, जिसका उन्होंने समिति भी बनाई है जो अब अच्छे से काम करेगी। क्योंकि मेरठ के काशिफ अली और उनके परिवार ने अब अपनी जमीन शिव मंदिर के लिए दान कर दी है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश करती ये खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से सामने आई है, जहां पर काशिफ अली और उसके परिवार ने शिव मंदिर के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन को दान कर दिया है। वहीं जमीन दान करने के बाद जब एन भारत ने काशिफ अली से बात की तो उन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तान का हूं और हिंदुस्तान मेरा है, इसीलिए ईश्वर और अल्लाह सब हमारा है। उन्होंने अपनी पुरखों की जमीन मंदिर के लिए दान कर दी है। पहले काफ़ी विवादों में रहे हैं और आज हमारे साथ ये मौजूद हैं, उनसे हम तमाम तरह की जानकारी लेना चाहेंगे कि आखिर पूरा माजरा क्या है। जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एन भारत पे। धन्यवाद जी। आपने कितनी ज़मीन मंदिर के लिए दान की है? ये 200 गज़ ज़मीन है जो हमने हमारे दादाजी ने मंदिर के लिए दान दी थी। जी, तो क्या सोच समझ के आपने दान की है? नहीं, सोचना समझना तो हमारे परिजनों ने पहले ही सोच लिया था। 1976 में हमारे दादाजी ने मौखिक रूप से ये ज़मीन शिव मंदिर को दे दी थी। जी, अब उस पर हमें पता चला कि उस पर कुछ विवाद है। वो विवाद क्या है कि कुछ लोग उस मंदिर पर अपना निजी हक जता रहे थे, तो क्षेत्रवासियों ने पता किया कि ये ज़मीन किसकी है, तो वो हमारे घर पे आए। अब हमारे दादा तो इस दुनिया में है नहीं, तो उन्होंने हमारे चाचा से, हमारे वालिद साहब से, पापा से बात रखी कि भाई आपकी ज़मीन ऐसे ऐसे मंदिर में दान दी गई थी, तो वो सही उपयोग उसका नहीं हो रहा है, कुछ लोग उसे अपनी संपत्ति बता रहे हैं। तो हमारे चाचा ने वो वसीयत पूर्ण रूप से अब शिव मंदिर के नाम कर दी है, जिसका उन्होंने समिति भी बनाई है जो अब आप अच्छे से काम करेगी। क्योंकि मंदिर कभी एक किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, वो सभी लोगों का होता है और सभी लोग उसमें आस्था के अभाव में आते हैं और आने भी चाहिए और अपने अपने तरीके से अपने अपने भगवान को याद करते हैं। जी, लॉकडाउन में काफ़ी सुर्खियों में आप रहे, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लॉकडाउन का जो वो वीडियो वायरल हुआ था, वो मेरी मंशा किसी का दिल दुखाने की नहीं थी। वो मैं एक समाज में संदेश देना चाहता था कि जहाँ एक तरफ हमारे पीएम नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश सरकार के सीएम योगी जी जहाँ पर कोरोना को लेकर इतने गंभीर हैं, लॉकडाउन लगा रहे हैं, वहाँ पे कुछ चुनिंदा लोग अपनी हठधर्मी से लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे, तो मैंने वो वीडियो बनाया। हाँ, मैंने मास्क नहीं लगाया था, वो शायद ये वजह रही कि शायद लोग मुझे नहीं पहचान पाते, क्योंकि मेरी शक्ल ज़्यादा लोग पहचानते, तो इसलिए मैं बगैर मास्क के आया। उस पर मेरे ऊपर कानूनी कार्यवाही भी और लॉकडाउन के उल्लंघन के मामले में मुझे जेल भी जाना पड़ा। तो जिस तरह से आपने कुछ ज़मीनें जो अपनी जो दादा की थी आपने दान में एक तरह से मंदिर को दे दी गई, तो इस हिसाब से जो आपके जो समुदाय के जो लोग हैं उनके मन में क्या विचारधारा आपके प्रति चल रही है? देखिए, ये बात पुरानी है मगर आज की डेट में बात नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से आज का माहौल चल रहा है और ये कदम उठाना बहुत ज़रूरी था। दादा ने हमारे मस्जिदें भी बनवाई हैं और आज ये मंदिर के लिए शुरुआत की, और भविष्य में अगर ऊपर वाले ने मुझे इतना दिया तो मैं गिरजाघर और गुरुद्वारा भी ज़रूर बनवाऊंगा। और मेरे समाज के लोग भी खुश हैं। कुछ चुनिंदा लोग हैं जो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए था, आज के जनरेशन के हिसाब से ये लोग हमें इतना हमें दूसरी निगाहों से देखते हैं। मैंने कहा वो आपकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच यह है कि मेरे पुरखों ने जो ज़बान दे दी मैं उस पर कायम रहूँगा, बाकी कुछ भी मेरे पे फतवा निकालें या कुछ भी मेरे पे बात करें, क्योंकि मेरे मंशा साफ़ है। मैं खुदा को मानने वाला हूँ, खुदा को मानूँगा और मैं दूसरों धर्मों का भी सम्मान करूँगा, क्योंकि मेरे इस्लाम में बताया गया है कि सब धर्मों का सम्मान करना चाहिए। अच्छा, बॉलीवुड से आपका कब से रिश्ता आपका जुड़ा हुआ है वहाँ से? देखिए, 2-3 फिल्में मेरी रिलीज़ हैं बॉलीवुड में, एक मजाक था भाई, एक रोंग लव, और साथ में बहुत सारे टीवी सीरियलों में मैं आ चुका हूँ, और 7-8 साल से मेरा रिश्ता है बॉलीवुड से, और अब मैं फ़िलहाल तेलुगु मूवियों में काम कर रहा हूँ। अच्छा। हिंदुस्तान के लोगों से और साथ में इस दुनिया के लोगों से ये संदेश देना चाहूँगा कि जिस तरह की शुरुआत हमने की है, आपसी भाईचारा बनाया है, ऐसी मैं चाहता हूँ कि कुछ हिंदू लोग भी जिनके पास ऊपर वाले ने उन्हें बहुत कुछ दिया है, वो भी कुछ अपनी ज़रूरतों के हिसाब से दूसरों की ज़रूरतों को समझते हुए मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, गुरुद्वारा में अपनी ज़मीनें दान दें। ये एक समुदाय के लिए नहीं है, सभी लोग आपस में भाईचारे से रहें और एक दूसरे के धर्मों को मानते हुए उनके उनके धार्मिक स्थलों की हिफाजत भी करें। सबसे मेन मुद्दा बनाना नहीं है, उनकी हिफाजत करना भी है। तो मैं सभी हिंदुस्तान की आवाम से ये कहना चाहूँगा कि ये हिंदुस्तान आपका है, यहाँ की सभ्यता आपकी है, यहाँ की मंदिर आपके हैं, यहाँ की मस्जिद आपकी है, तो बस इसी तरह अपनी प्यार मोहब्बत बनाए रखें और एक दूसरे के धार्मिक स्थलों की हिफाजत करें और धर्म का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।